नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। यार आपने जो फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर मतलब मेजर ऑफ सपोर्ट दिया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अपलोड करी जो कि मतलब हम लोगों के लिए, हमने विश्वास नहीं था कि यार आप लोग इतनी वीडियोस अपलोड करेंगे। 50+ वीडियोस अपलोड हुई हैं उस ग्रुप के अंदर, जो कि एक बिग अचीवमेंट है क्योंकि 300 लोगों ने ही अभी तक ग्रुप को ज्वाइन किया है। मैं चाहता हूं कि यार अगर आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तब भी आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सके और आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस चीज की जरूरत जरूर पड़ेगी। गाइज अब जो बात है वो है एक मेजर अपडेट की जो मैं आपको देने वाला हूं। 1 तारीख को मतलब 1 जुलाई को एक नई अपडेट आएगी, मतलब 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई को आपका एक नया कंपटीशन आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस कंपटीशन को थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा जबरदस्त बनाया गया है, तो जो लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे उनको ये बातें समझ में आएंगी कि मैं भाई क्या चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिंगिंग कॉम्पिटिशन है और जो लोग चाहते हैं कि भाई सिंगिंग कॉम्पिटिशन नहीं डांसिंग कॉम्पिटिशन लेके आओ, क्योंकि बहुत सारे डांसर्स भी हैं इस चैनल के ऊपर, वो चाहते हैं कि भाई डांसिंग कॉम्पिटिशन के बारे में हमें करना है, डांसिंग कॉम्पिटिशन करना है, तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। बट सिंगिंग कॉम्पिटिशंस वाले, जितने भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और डांसर्स के लिए भी ये वीडियो है क्योंकि आगे उनके भी काम आएगी कि भाई कैसे क्या क्या चीजें क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहली बात गाइज, आपको वीडियो बनानी है सिंगिंग करते हुए, आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है उसके ऊपर आप बना सकते हैं। कोई भी 10 लोग स्टार्टिंग में सिलेक्ट किए जाएंगे, मतलब जिसकी भी 10 वीडियो को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब जिसकी भी पहली 10 वीडियोस होंगी उनको सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर आप 10वें नंबर पे हैं तो आप सिलेक्ट हैं, पहले 10 वीडियोस को लिया जाएगा, उसके उन 10 वीडियोस के अंदर कंपटीशन होगा और उन कंपटीशंस की जो वीडियोस हैं उनको हम यूट्यूब पे और फेसबुक ग्रुप पे तो आप ही अपलोड करेंगे, और इन सब का जो कलेक्ट करके जो रेशियो आएगा लाइक डिसलाइक का, उसके बेस पे चूज किया जाएगा कि भाई विनर कौन है। टॉप 3 विनर्स को चूज किया जाएगा 10 के अंदर, मतलब 10 वीडियोस होंगी, 10 वीडियोस के अंदर टॉप 3 विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं यार विनिंग अमाउंट तो होना चाहिए कुछ, और ये बात ठीक है, आप अगर आप अचीव करते हैं कुछ तो आपका विनिंग अमाउंट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं गाइस, आपका सबसे बड़ा विनिंग अमाउंट यही है कि आपको ये पता चलेगा कि भाई 10 वीडियोस में मैं नंबर 1 पे आ रहा हूं, मैं नंबर 3 पे आ रहा हूं, उसका मतलब मेरे अंदर जो मैं गाता हूं उसके अंदर कुछ तो बात है जिससे लोग पसंद कर रहे हैं। एक तो ये आपके लिए सबसे बड़ा विनिंग अमाउंट है। जब इंडियन आइडल आएगा या फिर आपका सारेगामापा आएगा या फिर राइजिंग स्टार आएगा, इस तरह के जो सिंगिंग कंपटीशन आएंगे इनके अंदर वीडियोस मांगते हैं, और उन वीडियोस को अगर आप अपलोड कर देते हैं जिन वीडियोस में आप टॉप 10 में आए हैं, मतलब नंबर 1 पे आए हैं, अगर वो बंदा उस वीडियो को अपलोड कर देता है तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोल देगी। आपको ये भी पता चलेगा कि भाई मैं इस लायक नहीं हो पा रहा, मतलब मैं 10 लोगों में भी नंबर 1 पे नहीं आ पा रहा, नंबर 2 पे नहीं आ पा रहा, नंबर 3 पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छा विनिंग अमाउंट से भी बहुत अच्छी चीज है, और मैं यही चाहता हूं कि आपका ये डर खुले और आपको पता चले कि भाई मैं 10वीं अगर 10 लोग वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं तो मैं कौन से नंबर पे आ रहा हूं। क्योंकि गाइस ऑडिशन देना कोई मुश्किल बात नहीं है, उससे मुश्किल होता है रजिस्ट्रेशन में आपका शॉर्टलिस्ट होना। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, किसी भी टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, जो डांस इंडिया डांस हो गया या आपका जो डांस दीवाने हो गया, किसी भी डांसिंग कॉम्पिटिशन के अंदर फॉर्म भरना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है लोगों को वो होती है वीडियो बनाना, वीडियो बना के अपलोड करना। आपकी वीडियो को ही देखकर लोग क्या है आपको जजमेंट करते हैं, आपको सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। तो ये बात आप ध्यान दो, और कोई ये कंपटीशन नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है ताकि आप वीडियोस बना बना के अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सके। तो गाइस आपके थ्रू और हमारे थ्रू एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं हम, जिसके वजह से आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्मेंस कर सकें और अपना बेस्ट वर्जन निकाल के किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर, टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर या फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बना सके। तो गाइस अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, जो भी वीडियो डालेगा उसको 50 रुपीज पे करने होंगे। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए। देखो यार 50 रुपीज पहली बात तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदा यार पूरे दिन में 100-100 रुपए 200-200 रुपए आप खा जाते हैं, बट 50 रुपए आप अपने करियर के ऊपर भी लगा सकते हैं। और ये रोज कॉम्पिटिशन तो आएगा नहीं, आपको हफ्ते में 50 रुपए, भाई हफ्ते में कॉम्पिटिशन आ गए तो 50 रुपए हफ्ते के हो गए, या फिर आप किसी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाहते तो क्या प्रॉब्लम है, एक दो कॉम्पिटिशन पे तो जरूर ट्राई कीजिए।
आप, अब जो 50 रुपए उसका होगा क्या? जैसे कि भाई जो टॉप 3 लोग आएंगे, मतलब कि 10 वीडियो जो अपलोड करेंगे उनका पैसा कलेक्ट करके जो टॉप 3 जो लोग होंगे उनको दे दिया जाएगा। मतलब जो फर्स्ट प्राइज होगा वो 200 रुपीज का होगा, और जो 200 रुपीज का प्राइज नहीं होगा आपको क्या है, आपको वो 200 रुपीज दे दिए जाएंगे। आप 50 रुपए अगर लगाते हैं और आप की वीडियो नंबर 1 पे आती है तो आपको 200 रुपीज मिलेंगे, तो ये आपका एक विनिंग अमाउंट हमारी तरफ से हो जाएगा। और अगर आप सेकेंड आते हैं तो गाइज आपको 150 रुपीज मिलेंगे, और अगर आप थर्ड आते हैं तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो अगर आप डेफिनेटली आ सकते हैं। तो गाइज मैं आपसे बस सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि यार 50 रुपए देके अगर आप फर्स्ट आते हैं, आपको ही पता चलता है कि भाई मैं 10 लोगों में फर्स्ट आ चुका हूं, आपको 50 रुपए देके 200 रुपीज भी मिलते हैं, तो आपके लिए क्या गलत है? सिंपल सी बात है यार, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस वे में देखा जाए तो। और अगर आप सेकंड आते हैं तब भी आपके लिए प्रॉफिटेबल, और अगर आप थर्ड आते हैं तब भी आपके लिए प्रॉफिटेबल ही है। बट गाइस जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम विनर ही नहीं बन सकते, तो मैं आपको बता दूं यार 50 रुपए आपके लिए कोई बिग डील नहीं है। आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि यार मैं 10 लोगों में नहीं आ पा रहा, इसका मतलब मुझे और हार्ड वर्क करना होगा, उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर 50 रुपए दे के आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैं किस लेवल का हूं, किस लायक हूं मैं, कहां पे मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए, तो इससे बड़ी बात आपके लिए कुछ हो नहीं सकती, मेरा मानना तो यही है। और इन 50 रुपीज का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पास जितना ही पैसा होगा आपका कलेक्ट करके आपको ही दे दिया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट विनर को 200 रुपीज मिलेंगे, और सेकंड विनर को 150 रुपीज मिलेंगे, और जो थर्ड विनर होगा उसको 100 रुपीज मिलेंगे। इन सब का अगर हम टोटल करें तो 450 रुपीज होते हैं, जिसके अंदर 50 रुपीज क्या है हमारे पास आते हैं, और उन 50 रुपीज का गाइस कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में आपके फिर से बैक कर देंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर भाई आपका 50 रुपीज देके कोई भी चीज अगर आपकी ग्रो हो रही है, आप डेवलप कर रहे हैं, तो इससे बड़ी डील आपके लिए हो ही नहीं सकती। मैंने 50 रुपीज अमाउंट इसलिए रखा है कि हर कोई इसको पे कर सकता है, हर कोई इस कॉम्पिटिशन में इसलिए पार्टिसिपेट भी कर सकता है। दूसरा, आपको जो कैशबैक दिया जाएगा, आपको जो 200 रुपीज दिए जाएंगे, वो आपके पेटीएम, फोन पे या गूगल पे कर दिए जाएंगे। और आपको भी हमें अगर इस शो के अंदर पार्टिसिपेट करना है, इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो आप फोन पे गूगल पे कर सकते हैं। पेटीएम ऑप्शन हमारे पास नहीं है फिलहाल, अगर पेटीएम ऑप्शन आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको कोई भी बात पूछने तो यार कमेंट करके पूछिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो भी कमेंट करके पूछिए, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछिए, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। बाकी मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि यार आप लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, और जैसे ही कोई भी ऑडिशन, कोई भी रजिस्ट्रेशन निकले, लॉकडाउन खुलते ही, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, इस चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। इंस्टाग्राम पे जितने ही फॉलोवर हैं वो ये मत सोचे कि यार वेस्ट जा रहा है हमारा फॉलोइंग करना, बिल्कुल नहीं जाएगा यार, बस लॉकडाउन सिचुएशन का थोड़ा मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं नहीं, हमारी जो जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है, टेलीविजन इंडस्ट्रीज है, वो यही सोच रही कि कब ये लॉकडाउन हटे, कब प्रॉपरली हम वर्क पे जा सके, कब हम ऑडिशन रजिस्ट्रेशन निकाल सके। तो बस यही है जो भी है, अभी तो आप कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, आप इन्हीं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए ताकि आप भी सिलेक्ट हो सके। मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।